नमस्कार दोस्तों दोस्तों IRCTC इंडियन रेलवे दशहरा दिवाली छठ पर रेलवे 24 और नई ट्रेनें चलाएगा। जाने कब शुरू होगी बुकिंग और क्या है रूट। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं दशहरा और दीपावली त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम रेलवे ने कहा है कि दशहरा और दीपावली और छठ त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी जो 156 फेरे लगाएंगी। WR यानी पश्चिम रेलवे ने कहा कि इन 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों में से 5 जोड़ी बांद्रा टर्मिनल से, 2-2 जोड़ी इंदौर और उधना से, वहीं 1-1 जोड़ी ओखा, पोरबंदर और गांधीधाम स्टेशनों से चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार सभी रेलगाड़ियां विशेष रेलगाड़ियों के तौर पर चलाई जाएंगी और उनका विशेष किराया होगा। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी और इनके लिए बुकिंग 17 से 22 अक्टूबर के बीच प्रारंभ हो जाएगी। इससे पहले इंडियन रेलवे ने दशहरा, दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 392 त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया। ये ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत अन्य जगहों के लिए चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का क्या होगा किराया, आइए जानते हैं। रेलवे ने यह भी कहा कि इन रेलगाड़ियों पर विशेष ट्रेनों वाला किराया ही लागू होगा, यानी इनका किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 10-30% तक अधिक होगा, जो यात्रा की श्रेणी पर निर्भर करेगा। अधिकारियों ने बताया कि ये त्योहार विशेष ट्रेनें 30 नवंबर तक चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये विशेष ट्रेनें 30 नवंबर तक ही चलेंगी। उधर RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से जारी दिशा निर्देश जी हाँ दोस्तों, उधर RPF की तरफ से जारी दिशा निर्देश में यह जानकारी दी गई है कि यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनने, COVID-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद भी ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहां तक कि कैद की भी सजा हो सकती है। RPF ने विशेष रूप से आगामी त्योहारी मौसम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं RPF ने भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, तो इनका भी आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप यात्रा करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई YouTube वीडियो।